वेलकम टू डायरेक्ट एडमिशन सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको NIOS के अप्रैल 2021 एग्ज़ाम और अक्टूबर 2020 एग्ज़ाम के बारे में बताऊँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 अप्रैल 2021 एग्ज़ाम के लिए और स्ट्रीम 2 अक्टूबर 2020 एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ कि NIOS एक ओपन स्कूलिंग बोर्ड है, जिसमें क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप घर में पढ़ाई करके इससे आप 10th या 12th पास कर सकते हैं। दोस्तों, अब इसके स्ट्रीम के बारे में बता दूँ, वैसे कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइम 10th या 12th देंगे, वे स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 अप्रैल 2021 एग्ज़ाम के लिए एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, स्ट्रीम 2 अक्टूबर 2020 एग्ज़ाम के लिए वे कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं जो 10th या 12th में फेल कर गए हैं, या फिर 10th या 12th में पास है और मार्क्स में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो वैसे कैंडिडेट अक्टूबर 2020 एग्ज़ाम के लिए एडमिशन ले सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम जो 10th या 12th का एग्ज़ाम देंगे, तो वे केवल अप्रैल 2021 एग्ज़ाम के लिए एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9546996166, जी हाँ 9546996166 पर व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग इस पे कॉल ना करें, क्योंकि कॉल का रिस्पांस आपका सही नहीं आएगा। व्हाट्सएप करें ताकि आपको जल्द रिस्पांस का मिले। आप हमसे हमारे ईमेल आईडी directadmissioncenter@gmail.com, जी हाँ directadmissioncenter@gmail.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप करें या फिर ईमेल करें, कॉल ना करें। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। दोस्तों, यदि आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सारे काम आपके बिहार में हम लोग करेंगे। आपको फ्री में स्टडी मेडल्स उपलब्ध कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देंगे, प्रैक्टिकल्स में हेल्प करेंगे, सारे चीज में हम लोग आपको हेल्प करेंगे। केवल आपको जाकर के एग्जाम देना है, सारे चीज हम लोग करेंगे और सारे चीज आपको उपलब्ध कराएंगे। आई कार्ड, एनवी कार्ड, स्टडी मेडल, सारे चीज हम लोग उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों, यदि आप 10th क्लास में अप्रैल 2021 एग्जाम के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको कलर फोटो, आधार कार्ड, सिग्नेचर, ब्लैक पेन से और 8th क्लास का मार्कशीट आपको भेजना होगा। और यदि आप अप्रैल 2021 एग्जाम के लिए 12th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको कलर फोटो, आधार कार्ड, सिग्नेचर और 10th क्लास का मार्कशीट आपको देना है। यानी अप्रैल 2021 एग्जाम के लिए यदि आप 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको 8th क्लास का मार्कशीट देना है, और 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 10th क्लास का मार्कशीट देना है। बाकी सब डॉक्यूमेंट सेम है। और यदि आप 10th क्लास में अक्टूबर 2020 एग्जाम के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको कलर फोटो, आधार कार्ड, सिग्नेचर और 10th क्लास का फेल मार्कशीट आपको भेजना होगा। और यदि अक्टूबर 2020 एग्जाम के लिए 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कलर फोटो, आधार कार्ड, सिग्नेचर, 10th का मार्कशीट और 12th का फेल मार्कशीट आपको भेजना होगा। और यदि आप TOC लेना चाहते हैं, तो 10th क्लास का फेल ओरिजिनल मार्कशीट आपको सबमिट करना होगा 10th क्लास के लिए, और 12th क्लास के लिए 12th क्लास का फेल मार्कशीट ओरिजिनल सबमिट करना होगा, तब जाके आपको TOC मिलेगा। मैक्सिमम आप 2 सब्जेक्ट का TOC ले सकते हैं और 3 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम देना था। दोस्तों, इसका डिटेल इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ, वहां से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इससे संबंध में और कोई जानकारी चाहिए, तो हमें कमेंट अवश्य करें, उसका रिप्लाई ईमेल भी आएगा। दोस्तों, अक्टूबर 2020 एग्जाम के लिए एडमिशन का लास्ट डेट 31 जुलाई 2020 है। और यदि आप अप्रैल 2021 एग्जाम के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप विदाउट लेट फी 31 जुलाई 2020 तक अप्रैल 2021 एग्जाम के लिए एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में एडमिशन लेते हैं, तो नॉर्मल फीस के साथ आपको लेट फी 200 रुपया पेमेंट करने के बाद एडमिशन ले सकते हैं। और यदि आप 16 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में एडमिशन लेते हैं, तो आपको नॉर्मल फीस के साथ 400 रुपया लेट फीस का पेमेंट करना होगा। और यदि आप 1 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर 2020 तक एडमिशन लेते हैं, तो लेट फी 700 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट आप अप्रैल 2021 एग्जाम के लिए 15 सितंबर 2020 तक एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप अन्य किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य करें, तथा इसे अपने ग्रुप को एवं अन्य दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू।